नमस्कार दोस्तों, आयुर्वेद MFRS चकाचक में आपका स्वागत है। दोस्तों, गांव की हरियाली देखकर गजब ही मज़ा आता होगा शहर वालों को। हम सब गांव में हैं, जो शुद्ध हवा, ताज़ी हवा मिलती है उससे काफ़ी ज़्यादा फायदे होते हैं। देखिए, मैं एक मेड़ पर चल रहा हूँ जो कि धान के खेत का मेड़ है। तो आज मैं आपको एक ऐसा पौधा, या आप कह सकते हैं कि एक ऐसा घास दिखाऊंगा जिसके अनेकों फायदे हैं। वो घास नहीं, खास है, वो है दोस्तों मोथा, मोथा घास। तो जो मोथा घास है, मैं आपको बस जस्ट तुरंत दिखाने वाला हूँ, तो आप हमारे वीडियो में लास्ट तक जुड़े रहिए। वीडियो पसंद अगर आ जाए तो लाइक शेयर कर दीजिएगा, चैनल को नए, अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा। तो दोस्तों देखिए, हम आपको थोड़ा वीडियो के माध्यम से जूम करके दिखा रहे हैं। देखिए, ये है मोथा घास। दोस्तों, ये कई चीज़ों में बहुत ज़्यादा लाभकारी है, लेकिन इसमें से मैं कुछ चीज़ों को बताऊंगा जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। दोस्तों, ये देखिए, पहचान लीजिए, ये पत्तियाँ इसकी फैली हुई होती हैं सरपत की तरह। इसमें जो ये इसके फल टाइप के दिख रहे हैं, ये इसका फल है। तो दोस्तों, बहुत ही ख़ास है, या इसका इस्तेमाल अगर आप करेंगे तो कई रोगों में लाभ मिलेगा आपको, तो इसको पहचान लीजिए। मैं इसको थोड़ा सा जूम करके दिखाना चाहता हूँ आपको, तो ये देखिए, जूम कर रहा हूँ मैं, वीडियो में बने रहिए। ये देखिए, तो यही है मोथा घास। ये घास बहुत सारे खेतों में हो जाता है, जिसको खरपतवार बोलते हैं, और इसको दवा डालकर निकलवा देते हैं, दवा डालने से नष्ट हो जाती है। तो इसको मैं उखाड़ने चला हूँ जड़ से। तो देखिए, ये देखिए इसकी जड़, आप ध्यान से देखिए, मिट्टी लगी हुई है। मैं इसको थोड़ा साफ़ कर दूँ, इसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा। ये तो उसका तना हो गया, वो ऊपर का पार्ट हो गया, जड़ है। देखिए, ये मिट्टी को मैं थोड़ा सा निकाल दूँ, ये देखिए जड़। तो इसकी जड़ों को भी बहुत काम मिला जाता है। तो दोस्तों, जिन महिलाओं के स्तन में दूध की कमी होती है, इसका इस्तेमाल अगर आप 7 दिन या 10 दिन करते हैं तो उनको बहुत ही लाभ होगा। उसमें करना क्या है कि इसका जो जड़ है या इसका तना, सबको सुखा कर कूट पीस कर चूर्ण बना लीजिए, और उस चूर्ण को आप सुबह शाम लीजिए पानी के साथ या फिर दूध के साथ, तो स्तनों में दूध की कमी एकदम पूरी तरह से हो जाएगी। और अगर खून की कमी है तो वह इसको भी पूरा कर देगा, खून की कमी नहीं रहेगी। और अगला जो फ़ायदा है दोस्तों, यह आँखों के रोग को बहुत आसानी से दूर कर देता है। जैसे कि आँखों की रोशनी अगर धीमी है, तो इसके जो पत्ते हैं, इसको पीस कर आप इसका जो पानी निकलता है उसको लगा लीजिए, तो आसानी से ठीक हो जाएगा। और इसी के चूर्ण को अगर हम लगातार इस्तेमाल करते रहते हैं तो यह कुष्ठ रोग को जड़ से ख़त्म कर देता है, कुष्ठ रोग। तो यह बहुत कमाल का पौधा है दोस्तों, इसको अगर आप नियमित रूप से इस्तेमाल करेंगे तो यह बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। तो आप जानते हैं कि आयुर्वेद में बहुत ज़्यादा ताकत होती है, एलोपैथ को यह पीछे छोड़ दिया है, क्योंकि आयुर्वेद में वो ताकत होती है कि यह किसी भी बीमारी को जड़ से नष्ट कर देता है। तो दोस्तों, बहुत सारी वीडियो मैं आपके लिए लाऊंगा, क्योंकि मैं गांव से हूं, तो हर जड़ी बूटियां हमारे यहां उपलब्ध हैं, तो मैं ऐसे ही बहुत सारी वीडियो लाऊंगा। तो हमारे वीडियो पर बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर लीजिए, ताकि मैं नई नई वीडियो आपको जब भी आपके लिए बनाऊँ तो सबसे पहले आपको मिल सके। तो दोस्तों, आज की वीडियो थी मोथा घास के ऊपर, जिसको हम घास या फिर औषधीय पौधा भी बोल सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।